नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहाँ पे कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में। बात करेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, कृषि फसलों के वायदा बाजार और हाजिर बाजारों में कंपैरिजन किया जाएगा कीमतों को कि किसमें कि ज़्यादा कीमतें देखने को मिल रही हैं और आगे जाके किस कृषि फसल में मंदी तेजी बनती हुई नजर आएगी, उस पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से, और कैसे सीड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड कल के कारोबारी सत्र में 6600 का हाई लगाया था, आज देख रहे हैं कि 6502 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, जैसे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में 6400 के लेवल्स देखने को मिले थे और अब शाम में 6500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या अब यहां से सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी या फिर यहां से भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? देखिए, कैस्ट्रो की बात करें तो कैस्ट्रो के चार्ट्स जो दिखा रहे हैं इस टाइम पे प्राइस मूवमेंट अपसाइड का ही दिखा रहे हैं। चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 6600 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, सपोर्ट रहेगा 6400 का। जब तक ये 6400 के ऊपर ट्रेड करेंगे, चांसेस यही है कि 6600 को अप्रोच करेंगे और यहाँ से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम बाय भी करके चल सकते हैं जी। ये सर रविंद जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र में 2400 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया था, अब देख रहे हैं कि 2430 पर कारोबार कर रहा है। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में क्या अभी और गिरावट देखने को मिलेगी और बिकवाली देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पे एक सीमित दायरा ही देखने को मिलता रहेगा आने वाले दिनों में? कोकुड में अभी बात करें तो एक रेंज ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉटन प्राइसेस जो है ये अपसाइड से करेक्शन ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका यहाँ से अपसाइड का ही होना चाहिए, क्योंकि करेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिख रही है। इसमें 2300 के आसपास का सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए और चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एक कंसोलिडेशन करने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट देखने को इसमें मिले जी। ये सविंदर जी, नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि धनिया और जीरा काफी ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। धनिया में एकदम से तेजी देखने को मिली, 8200 का हाई लग चुका है और जो जीरा है वो 14700 के ऊपर निकल चुका है। हल्दी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मसालों में क्या सा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए, धनिया की बात करें तो धनिया में हमने पहले भी बोला था धनिया और जीरा जो है ये कंसोलिडेशन रेंज में ही रहेंगे और जैसे दिवाली पास आएगी और इसमें बाइंग अगेन से विटनेस होगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। वही प्राइस मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय। धनिया प्राइसेस आने वाले कुछ दिनों में 8300 से 8400 की रेंज में मूव करते हुए दिखेंगे। और वहीं जीरा की बात करें तो जीरा में भी हमने एक काफी लंबा कंसोलिडेशन देखा है, लगभग 4-5 हफ्ते से ये 1400 से 1500-1500 की रेंज में स्टक करी हुई है कमोडिटी। चांसेस ये लग रहे हैं कि हायर साइड में अगर 14400 का डाउनसाइड ब्रेक नहीं करता है तो अपसाइड में 15200 और 15600 को टारगेट करेगी और ये दिवाली के आसपास ही होने वाला है। वहीं हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है इसमें अभी और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये स्लिप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सपोर्ट पे है, 7090 का सपोर्ट है और प्राइसेस यहाँ से रिबाउंड कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है इस पर जी। रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि आपने जो ग्वार गम और ग्वार सीड के लास्ट टाइम हमको टारगेट्स दिए थे, आपके टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। देख रहे हैं ग्वार गम का नवंबर वायदा 12495 पर कारोबार कर रहा है, 4% का ऊपरी सर्किट है और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6690 पर है। ग्वार सीड के भी अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बनेगा या फिर यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वार की बात करें तो क्वार्टरली ब्रेकआउट पे है ये कमोडिटी, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 6794 का, अगर उसको ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि अपसाइड में 6900 के लेवल देखने को मिलेंगे और अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो इन्हीं लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी। वहीं ग्वार गम की बात करें तो गम में भी अभी प्राइसेस जो है ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं जी। चांसेस हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट करेक्शन के बाद प्राइसेस अगेन अपसाइड में मूव करेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो इतने भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेस इतने हायर लेवल पे सस्टेन करें और ये सेम उसी तरीके का मूव हमें देखने को मिलेगा अगर थोड़ा भी फंडामेंटल में
कुछ भी टर्न अराउंड होता है, तो जिस तरीके से हमें सोयाबीन में सेलिंग देखने को मिली थी, उसी तरीके से इस कमोडिटी में भी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इन हायर लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की एडवाइस नहीं की जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं और हायर साइड में 12,500 से 12,700 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। जी रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से क्रूड में हमने कल के मुकाबले आज थोड़ी एक हल्की नरमी आती हुई देखी है, तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में इसका असर ग्वार की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, क्रूड की बात करें तो क्रूड में जिस तरीके से एक सेलिंग कल विटनेस हुई है वो एक प्रॉफिट बुकिंग ही है, लेकिन चाइना स्लो डाउन की वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड इम्पोर्ट जो है वो वहां पे चाइना में कम हो रहे हैं और उसी वजह से हमने कल डाउन साइड देखने को मिला था। लेकिन ओपेक का जो कट है ये जनवरी 2022 तक रहेगा और उसी वजह से क्रूड प्राइसेस जो हैं ये थोड़े अपसाइड मूव कर रहे हैं, लेकिन क्रूड भी फंडामेंटली ज्यादा अपसाइड सस्टेन नहीं करेंगे और वो जो अगर वहां से सेलिंग देखने को मिलती है तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी ग्वार सीड के प्राइसेस में, और जो कि चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले एक से दो हफ्ते में क्रूड में सेलिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद में यहाँ पे भी वो सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जी रविंद्र जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो आपको सोयाबीन में क्या लग रहा है, आप सोयाबीन में आगे कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देख रहे हैं कि सोयाबीन में काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल चुकी है और अब एक काफी समय से एक कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड किया जा रहा है। ये सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो इस समय कमोडिटी जो है ये ऑलमोस्ट बॉटम से ये 3200 से चलना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में 9500 का हाई लगाया था इस कमोडिटी ने मंथली चार्ट के बेसिस पे, और वहां से ये ऑलमोस्ट 61.8% के आसपास रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुकी है और इस टाइम पे बाइंग टेरिटरी में ये मूव कर रही है। यहाँ से चांसेस अपसाइड के ज्यादा है, डाउन साइड की कम है। डाउन साइड में 5000 तक का सपोर्ट इसमें है, लेकिन चांसेस बहुत कम लगते हैं कि प्राइसेस जो है ये 5000 के नीचे ब्रेक करेंगे और उसकी तरफ मूव भी करेंगे। ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये एक रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा और रेंज इसकी रहेगी 5200 से 5600 की, और इसी रेंज में ये कंटिन्यूस 1 से 1.5 महीना ट्रेड कर सकता है और उसके बाद में अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जी रविंद्र जी, हमने देखा था कि सरसों का ज्यादा स्टॉक होने के बावजूद भी किसान सरसों को रोक रोक कर ला रहे थे और सरसों में तेजी बनती हुई नजर आई थी, ठीक उसी तरह से सोयाबीन में भी देखा है कि प्रोडक्शन के जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा बताए जा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए, लेकिन बेमौसम बरसात से भी जो फसलें हैं सोयाबीन की वो बड़े पैमाने पर ख़राब होती हुई नज़र आई हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर किसान सोयाबीन को भी सरसों की तरह रोक रोक कर लाना शुरू कर देते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फ्यूचर मार्केट पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है? देखिए बिल्कुल, इसके अगर एमएसपी की बात करें तो वो 3950 के आसपास का एमएसपी है, तो प्राइसेस डाउनसाइड तो मूव कर ही सकते हैं अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन वो जब तक एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं आते हैं और पीक अराइवल पीरियड जब आएगा वो उसी टाइम पे पता चलेगा हमें, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ से करेक्शन जो है वो कम्प्लीट होती हुई दिख रही है और यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही पीक अराइवल पीरियड रहेगा इसका और उस टाइम पे पता चलेगा कि कितना अराइवल्स हो रहा है तो उस समय वो प्राइस एक्शन में देखने को मिलेगा। जी रविंद्र जी, आपसे टॉपिक्स जानना चाहेंगे कि आगे जाके वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो नेक्स्ट वर्किंग वीक में भी अच्छा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती है? देखिए यहाँ से सोया रिफाइन को शॉर्ट करके चल सकते हैं, सोया रिफाइन 1250-55 के आसपास की रेंज में शॉर्ट करना चाहिए और डाउनसाइड में 1210 और 1200 के लेवल टारगेट रहेंगे, अपसाइड में 1275 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा, हम यहाँ से कॉटन में भी थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉटन में भी हम शॉर्ट करके चल सकते हैं 31200 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, डाउनसाइड में 30200 का टारगेट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी हम सोयाबीन पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सोयाबीन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे आप सभी के कि सोयाबीन में आगे जाके क्या रहेगा और कैसा रुझान देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सोयाबीन का। तो सोयाबीन में जैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं और आप लोगों ने भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जानकारी साझा करी है सोयाबीन की अपने हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और अपने विचार छोड़कर। सोयाबीन की बुआई के समय हमने देखा था कि बीजों की किल्लत थी, सरकार ने भी बीज आयात नहीं किया था
और किसानों ने ब्लैक मार्केटिंग जब बीज की हो रही तब भी महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई कर ली थी, इसी चक्कर में कि जो अभी उस समय एक्सपर्ट्स द्वारा आंकड़े बताए जा रहे थे सोयाबीन की बुआई के, कि सोयाबीन की बुआई इस साल पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वायदा बाजार में सोयाबीन की जो कीमतें थी 10-10 हज़ार के पार जाती हुई नजर आई थी, और उस समय किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं था, या था भी तो बहुत ही ना के बराबर था। जिस किसान के पास था थोड़ा बहुत उन्होंने बेचा भी था और अच्छा मुनाफा कमाया भी था, लेकिन ज़्यादातर किसान के पास स्टॉक नहीं था क्योंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन ही काफ़ी सालों से कम देखने को मिल रहा था। बेमौसम बरसात की वजह से सोयाबीन की जो फसलें थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी और जो बीज था किसानों के पास वो दागी था। लेकिन किसानों ने तब भी मेहनत करी, दिन रात एक किया और सोयाबीन की बुआई करी, लेकिन उसके बाद जब बुआई हो गई सोयाबीन के दाम वायदा बाजार में तेज़ी के चलते उछल गए तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को एक रिक्वेस्ट गई कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो सोयाबीन है वो पशु चारे के रूप में पोल्ट्री इंडस्ट्री में, डेयरी उद्योग में और एक्वा में यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से सरकार ने 12 लाख टन सोया खली का आयात करने का फैसला लिया और वो चालू हो गया। अब जैसे ही सोया खली का आयात चालू हुआ सोयाबीन की कीमतों में नरमी आती दर्ज की गई, जिसकी वजह से इस समय वर्तमान में जब सोयाबीन की फसल मंडियों में आई तब किसानों को सोयाबीन की MSP भी मिलनी मुश्किल हो गई, और जब MSP भी नहीं मिल रही, दूसरा बेमौसम बरसात लगातार हो रही है, तो किसानों की जो कटी कटाई फसल रखी हुई थी खेतों के अंदर वो भी सोयाबीन की बर्बाद होती हुई नज़र आई। 50-60% ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़्यादातर किसानों का, और किसी किसी किसान का 90% तक भी सोयाबीन की फसलों का नुकसान हो चुका है। तो किसानों को आस थी कि इस बार उनके सोयाबीन के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन सोयाबीन किसानों पर एक दोहरी मार पड़ती हुई नज़र आई है, पहला बारिश का, दूसरी MSP ना मिलने का। किसानों ने महंगा बीज खरीद कर बुआई करी थी कि चलो MSP से इस बार ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं अब बीच में सोपा के आंकड़े भी आए थे कि सोयाबीन की बुआई का रकबा जो है पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% ज़्यादा रह सकता है, वहीं सरकारी अनुमान सोपा के आंकड़ों से भी ज़्यादा देखने को मिला। तो इसी के चलते सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें और नरमी आ गई है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बुआई के समय जब बीज ही नहीं था तो बुआई ज़्यादा कैसे हो सकती है, और अगर बुआई बाई चांस ज़्यादा रहती भी है या फिर बराबर भी रहती है पिछले साल के मुकाबले रकबे के मुकाबले, तो बारिश से इतनी फसलें ख़राब हुई हैं सोयाबीन की, जिसकी वजह से सोयाबीन का उत्पादन इतना रहना नामुमकिन है या फिर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, सोयाबीन की जो फसलें हैं, जो सोयाबीन की जो उपज है उसमें अभी नमी की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका दाम भी इतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कुछ किसानों को अभी भी पूरी पूरी आस है कि अगर सोयाबीन रोकी जाए, सोयाबीन को सरसों की तरह अगर रोक रोक कर मंडियों में लाया जाए तो सोयाबीन के जो दाम है वो भी बढ़ के मिल सकते हैं सरसों की तरह ही। अब सोयाबीन किसान मंडियों में इसलिए लेकर आ रहे हैं अपनी सोयाबीन को क्योंकि उन्हें अगली फसल की बुआई भी करनी है, तो जो बड़े किसान हैं, जो किसान सक्षम है सोयाबीन की फसल रोकने में, अभी सिर्फ वही किसान रोक कर चल रहे हैं अपनी सोयाबीन को, क्योंकि जनवरी फरवरी तक ऐसा हो सकता है कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो बढ़ के मिलें, प्रेजेंट वर्तमान में जितनी कीमतें मिल रही हैं उससे कुछ ज़्यादा मिल जाए, अभी किसानों को ऐसी आस है। इसलिए जो किसान सक्षम है उन्होंने सोयाबीन को होल्ड कर लिया है, रोक कर लिया है, स्टोर करके रख लिया है, और जो किसान सक्षम नहीं है होल्ड करने का, स्टोर करने का, वो अपनी सोयाबीन को अभी मंडियों में बेच रहे हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उन्हें अगली फसल की बुआई करनी है, तो कम कीमतों पर अपनी सोयाबीन बेचना उनकी एक तरह से अभी मजबूरी बन गया है, जिसकी वजह से सोयाबीन की मंडियों में आवक ठीक ठाक भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर किसान सोयाबीन को सरसों की तरह एक रोक रोक कर लाना शुरू कर दे, मंडियों में सोयाबीन की किल्लत महसूस हो, तो हो सकता है कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं कुछ बढ़ते नजर आए। तो किसानों को यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर सतर्क रहने की ज़रूरत है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल और विचार छोड़ सकते हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।